विकासखंड मार्टिनगंज के खंड विकास अधिकारी प्रेमचंद राम जी एवं उनके पूरे स्टाफ को आज दिनांक 18/5/20 को भारतीय जनता पार्टी का इलालगंज ने जिला मंत्री रामसौद राजभर मंडल अध्यक्ष विकास राय ने अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। उपस्थित जनसमूह से ध्वनि करलता से समस्त खंड विकास के कर्मचारी को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं एडीओ, पंचायत सफाई कर्मी, लिपिक सबका सम्मान किया। इस अवसर पर विकासखंड अधिकारी प्रेमचंद ने कहा कि ऐसा समय चल रहा है जहां एक दूसरे को हौसला देना अति आवश्यक है, जिससे विश्वव्यापी महामारी से लड़ाई लड़ने से आसानी होगी। यह कोई ऐसा काम नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। देश के ऊपर यह महामारी आई है तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर सामना और चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे पराजित करना होगा। इस महामारी आपदा में हम जो लोग काम कर रहे हैं, ये कोई न एहसान है और न हम किसी के प्रति उपकार कर रहे हैं, बल्कि ये जो हम कर रहे हैं एक हमारा शासकीय दायित्व है, साथ में नैतिक दायित्व है। जब हमारा प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस मुहिम में 24 घंटा लगे हुए हैं, तो जो भी हम उनकी नीतियाँ हैं क्रियान्वयन करते हैं, यह इसलिए करते हैं कि हम उनके हाथ और पैर, मुख्यमंत्री जी का आदेश हो या माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हो, वो तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है धरातल पर जब हम उनके आदेशों का पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी के साथ अनुपालन करें। आज जो देश के सामने संकट था और अभी हम संकट से पूरा उभर नहीं पाए हैं, वो मात्र इसलिए नियंत्रित है और हो रहा है केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के और जो हमारे सरकार के अंग हैं और साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके लोगों को भूख प्यास से निजात दिलाए, वहीं जहां भी कोई भी थोड़ा भी संक्रमित व्यक्ति मिला या बाहर का व्यक्ति मिला, वो खुद पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रयास से और हम लोग को इन्फॉर्म करके उनको सही जगह पर क्वारंटाइन कराने में मदद कराए, आइसोलेशन में मदद कराए, इसलिए आज स्थिति सुधर रही है। निसंदेह ये जो भी काम संयुक्त से हो रहा है सरकार और पार्टी के द्वारा, यह एक मानवीय कार्य है और इस मानवीय कार्य में हम बीए की तरफ अग्रसर हैं और जिस उत्साह, मेहनत, निष्ठा के साथ हम इस काम को कर रहे हैं, ये गति और बनाए रखने की ज़रूरत है। निसंदेह आने वाले 10 से 15 दिन में हम देश को आपदा महामारी से बचाने में कामयाब होंगे।